कोई संकट आता है तो वह भगवान को जरूर याद करता है। तो भगवान भी इंसानों को निराश नहीं करते, वह किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। कभी कभी तो संकट आने से पहले किसी न किसी तरह भगवान हमें संकेत भी देते रहते हैं, लेकिन इन संकेतों को समझना इतना आसान नहीं होता। कुछ ऐसा ही संकेत हमारे घरों में सदस्य की तरह रहने वाली छिपकली भी देती रहती है। जब भी हम पर कोई संकट या शुभ अशुभ घड़ी आती है तो छिपकली कई तरह से हमें आगाह करती है। आइए जानते हैं छिपकली कब और किस तरह से हमें संकेत देती है। घरों दुकानों में अक्सर दिखने वाली छिपकली अगर आपके मकान या दुकान में कहीं मरी हुई दिखाई दे तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। मरी हुई छिपकली दिखना अशुभ संकेत माना जाता है। इसे किसी अनहोनी के संकेत के तौर पर देखा जाता है। वहीं अगर छिपकली आपके सिर पर गिर जाती है तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्द ही बड़ा धन लाभ होने वाला है। अगर आप व्यापार या नौकरी करते हैं तो आपको बता दें, अगर किसी वजह से आपके दाहिने हाथ पर छिपकली गिरती है तो इसे व्यापार या नौकरी में जल्द तरक्की से जोड़कर देखा जाता है, तो इससे धन या संपत्ति का नुकसान हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर खाना खाते वक्त आपको छिपकली की आवाज़ सुनाई देती है तो कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं अगर छिपकली आपके दाएं कंधे पर गिरती है तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कम हो सकती है। कहा जाता है कि घरों में रहने वाली छिपकली अगर आपके दाएं पैर पर गिरती है तो यह यात्रा करने का संकेत देती है। वहीं बाएं पैर पर गिरती है तो यह आपके बीमार होने के संकेत देती है। तो अगली बार जब भी आपके आसपास छिपकली दिखे तो समझिए वो जरूर कोई ना कोई संकेत दे रही है जो आपको आने वाले संकट से अलर्ट कर सकती है।